बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुश आमदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने जमशेद क्वार्टर में प्रोग्राम मुरतब किया, जहाँ पर आपने सुना कि जिन घरों को जो है वो मिसमार करने के हवाले से जो एक तलवार लटक रही है, एज़ यूजुअल हम वही वाले अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि तलवार लटकने, इससे ज़्यादा का जो है हमें कोई जस्टिफाई करने वाला कोई जुमला मिल नहीं रहा है इस पूरी तकलीफ में लोगों की। ऐसा लगता है कि जैसे अब हमारी ज़िंदगी का पिछले तकरीबन एक साल से मकसद ज़िंदगी का ऐसा ही लगता है कि कराची की आवाज़ की टीम का जो है वो ये बन गया है कि कभी कराची के एक इलाके में घर बचाने के लिए उनकी आहोबका आपको सुनाने के लिए जो है वो हमें प्रोग्राम मुरतब करना पड़ता है, कभी किसी जगह से करना पड़ता है, कभी मार्टिन क्वार्टर, कभी जमशेद क्वार्टर, कभी पाकिस्तान क्वार्टर्स, कभी FC एरिया, जहाँ से आज मैं आपको रिपोर्ट करने के लिए आई हूँ। देखिए जनाब, हम ना इस गोरख धंधे में नहीं जाना चाहते कि कौन सी जगह जो थी वो लीगल है कौन सी इलीगल है। अदालती हुक्म हमेशा कहते हैं सर आंखों पर, लेकिन कुछ हकायक ऐसे होते हैं कि जो बाज़ दफ़ा आपके सामने नहीं होते, उन हकायक को लाना हमारी जिम्मेदारी होता है और उनकी जो उससे जो मुतासिर होने वाले लोग कितनी बड़ी तादाद में हैं, क्या उनके आगे कोई उनके कोई आसरा है भी आगे अपना घर बनाने का या कहीं रहने का, या फिर बेसरो सामानी की हालत में अगर खुदा ना खास्ता ये कार्रवाई होती है अंधाधुंध तरीके से, और सबसे बढ़कर के कार्रवाई का तरीका जो है वो क्या है। अभी जब हम गए थे, हम पाकिस्तान क्वार्टर्स के हवाले से हमने प्रोग्राम जब किया था, तब भी हमने ये बात सुनी और कहा कि देखें अगर हमारे खिलाफ इस तरीके से हमारे घरों को मिसमार करने की कोशिश की जाती है, यही मार्टिन क्वार्टर वालों का ये कहना था और यही जमशेद क्वार्टर वालों का कहना था कि अगर हमारे घरों को मिसमार करने की कोशिश की जाती है तो ये याद रखिएगा कि फिर हमारे पास ना जीने की कोई वजह रहेगी ना कोई मरने की हमारे पास जो है ना वो एक बड़ी सॉलिड वजह आ जाएगी, क्योंकि जब हमें अपने खानदानों समेत बाहर निकलना पड़ेगा ना, हमें पता होगा कि हम लोग कोई एलीट तबके के तो लोग हैं नहीं, कि हमने एक घर में रह रहे हैं तो दो घर हमने उसकी बुकिंग कर रखी है, एक घर जो है वो हमारे बाप दादा ने हमारे लिए छोड़ा होगा, नहीं, यही घर है भाई, और अगर ये घर छिन जाता है हम लोगों से या क्वार्टर छिन जाता है तो हमें आना पड़ेगा अपने घर की खवातीन समेत सड़क के ऊपर, क्योंकि हमारे पास और कोई आसरा नहीं है। कुछ लोग हैं जो एक हद तक जो है वो कोई छोटा मोटा किराए का घर अफोर्ड कर सकते हैं, मेजोरिटी में मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, इतने सफेद पोश लोग हैं कि वो इसकी जो है वो हिम्मत भी नहीं रखते हैं, उनकी जेब इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं देती है। तो फिर इसका हल क्या है? ये जब आपकी नज़र के सामने नाक के नीचे ये इतने अरसे से थे तब तो नज़र नहीं आए, और अब जो है वो अचानक अंधाधुंध जो है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू की गई है। चले अदालती ईमा पर अगर कोई कार्रवाई की जा रही है सराखों पर, लेकिन उसका फिर ये तरीक़ाकार जो है ना वो एक पूरी दुनिया में जो है वो राइज है कि जब आप ऐसी कार्रवाई करते हैं तो पहले तो जो जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही होती है वो चूंकि कोई क्रिमिनल उनका रिकॉर्ड नहीं होता है, लिहाजा वो पाकिस्तान के शहरी हैं, उनसे बातचीत करना और उनको कोई इस हवाले से जो है वो रिलीफ देना वो फर्ज है रियासत के ऊपर, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जनाबे आला जिस तरीके से आप पूरे कराची में जो तरक्याती काम इक्का दुक्का शुरू हो रहे हैं, जितनी तवालत और जितनी सुस्त रवि के साथ वो चल रहे हैं, उतनी शदोमत और उतनी ही ज्यादा फुर्ती के साथ ये गिराने के लिए जो कार्रवाई हो रही है, चाहे वो दुकानों को गिराने की कार्रवाई हो कराची में, चाहे वो घरों को या क्वार्टर्स को गिराने की कार्रवाई हो, बड़ी तेजी के साथ ये कार्रवाई जो है ना मतलब संभलने का मौका ना दे बंदा, इस तरीके से वो कार्रवाई होती है। ये तरीका क्या है, मतलब हर जगह से क्यों हमेशा आवाम ही पिट रही है, दोनों तरफ से पिट रही है, तो फिर इनका पुरसाने हाल होगा कौन? अब वो आवाम जिसको ताकत का सरचश्मा कहा जाता है, पाकिस्तान जो है वो कहा जाता है कि उसकी जो आवाम है वही एक्चुअली पाकिस्तान है, तो क्या हम पाकिस्तान पे और बिलखसूस मिनी पाकिस्तान यानी कराची पर जो है वो इस तरीके से बुलडोजर लेकर हर गली के अंदर जो है वो हम अब तैयार हैं ये नज़ारा देखने के लिए? बात सिर्फ वही वाली है कि जब ये बन गए, जब यहाँ पर लोगों ने अपनी जेब से सरमाया खर्च करके इनको बना दिया, जब यहाँ पर तमाम यूटिलिटी बिल्स आ रहे हैं, तब आप लोग कहाँ थे जब ये इतने अरसे से यहाँ पे रह रहे थे? और अचानक जब ये एडजस्ट हो गए यहाँ पर अपने खानदानों समेत, और इनके जहन में भी ये बात नहीं थी कि कभी जहन के किसी गोशे में ये बात नहीं थी कि कभी इनको ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा, मैं अगर अपने आप को रखूँ इनकी जगह पर और मैं ये सोचूँ, हालांकि जो अगर आप भी अगर ये सोचें आपको खुद भी इनकी तकलीफ का अंदाज़ा हो जाएगा कि अचानक रात गए आपके हाथ में एक नोटिस आता है कि ये घर खाली करना पड़ेगा, ये घर मिसमार होने के लिए जा रहा है, और आपको कुछ पता नहीं है कि आप अपने खानदान समेत कहाँ पे जाएंगे, क्या महसूस होगा आपको? आप सिर्फ मैं सिर्फ इंसानियत की बात करने के लिए आई हूँ, मैं सिर्फ इन लोगों की मुश्किलात आपको सुनाने के लिए आई हूँ, दिखाने के लिए आई हूँ, ये मेरा काम है।
अदालती फैसले के ऊपर फिर मैं बात कहूंगी कि कोई इसमें दो राय नहीं है, अदालतें जो फैसला करती हैं बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन अदालतों से अब इल्तमास है और चीफ जस्टिस साहब से ही इल्तमास है, हुकूमत से बाद में पहले आप लोगों से इल्तमास है, कोई समझे या ना समझे, आप आवाम की मुश्किलात, आवाम का दुख, आवाम का दर्द, उनके खानदान का जो पूरा पूरा जो यहाँ पर दाव पे लग गया है उनका सुकून, उसको देखते हुए आपकी नज़र ये प्रोग्राम किया जा रहा है। हुकूमत तो बात की बात है, हुकूमत अपने पहले झमेलों से तो फारिग हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इससे पहले कंटिन्यूसली महीने में कम से कम 3 प्रोग्राम तो मेरे पक्के होते हैं कराची की आवाज़ के, जो मुझे इन इलाकों में जाके करने पड़ते हैं, और हर रोज कहीं ना कहीं से फिर आवाज़ आ जाती है कि अब यहाँ पर आ जाए। आज आपके एफसी एरिया में मैं आई हूँ, क्या ये जिससे पहले जो हमने प्रोग्राम किए थे तसलसल कह सकते हैं उसका? ये बिल्कुल जी उसी का तसलसल चल रहा है कि कंटिन्यूसली पहले पाकिस्तान क्वार्टर में इन्होंने ऑपरेशन किया और वहाँ पे चढ़ाई करी उन्होंने ठीक ठाक अमले के साथ और वहाँ के लोगों को बेघर करने के लिए, और अभी यही तसलसल जो है ना वो एफ सी एरिया में कर रहे हैं। पिछले 15 दिन से यहाँ पे यही चल रहा है कि पहले इंक्रोचमेंट हुई के जी के इलेक्ट्रिक के नाम पे उन्होंने इंक्रोचमेंट शुरू करी कि जी जो के इलेक्ट्रिक के वायर जा रहे हैं उनके नीचे जो है वो हम तोड़फोड़ करेंगे, क्योंकि वो उन्होंने केस करा हुआ था। तो अहले इलाका ने भी कहा जी कमर्शियल। आपको अंदाजा था पहले से कि यहाँ पे कोई केस इस हवाले से कोई चल रहा है? नहीं, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं। अचानक ही बता थी, अचानक ही बताया गया, और वो फिर उसकी आड़ में इलेक्ट्रिक के आड़ में जहाँ पे इलेक्ट्रिक के वायर का दूर तक निशान नहीं है कोई, वहाँ पे भी उन्होंने इंक्रोचमेंट शुरू कर दी, दुकानें तोड़ दी, जो रोज के 500-600 रुपए कमाने वाले लोग हैं उनके चूल्हे बंद हो गएंगे। जिन्होंने ये फैसले किए वो जरा आगे तो देखेंगे उनके घर कैसे चलेंगे। उसके बाद उन्होंने जो है ना 5 दिन पहले यहाँ पे घरों को नोटिस दे दी, जो नीचे जो घर बने हुए हैं सबको नोटिस दे दिए, 7 दिन के नोटिस दे दिए उनको कि जी 7 दिन के अंदर अंदर ये घर खाली कर दी जाए नहीं तो उनको मिसमार। अच्छा, एक और बात कि 7 दिन का नोटिस आप दे रही हैं, कम से कम ये तो देख ले हजूर के अगर कोई सरे दस और कुछ नहीं किराए के घर पे भी अगर जाना चाहेगा तो 1 महीने का वक्त दिया जाता है, 1 महीने का आप कोई जो होगा ना वो घर खाली इस तरह नहीं होता, आपको पहले थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, 7 दिन इंतजार जो है वो बहुत कम है, और कम से कम मैं अगर गलती पे नहीं हूँ तो 15 से 1 महीने का जो है तो होता है वो तकरीबन टाइम दिया जाता है। अब जाहिर है कि जिस जगह पे आप 7 दिन तक अगर आपको कोई घर नहीं मिलता, घर किराए के वैसे भी कराची में जो है वो इतनी जल्दी आपको नहीं मिलते, 7 दिन में आपको नहीं मिल सकता, तो कोई इस किसी के अकल में ये बात नहीं आ रही है कि यार 7 दिन का हम वक्त दे रहे हैं, 7 दिन के अंदर ये लोग जाएंगे कहाँ पे, किराए के घर में भी गए तो 1 महीने का वक्त चाहिए। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो लोग आबाद हैं वो तकरीबन पिछले 40 साल और 50 सालों से आबाद हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने 30-30 साल 35-35 साल सरकार की खिदमत करी है, हर दौर में गवर्नमेंट जॉब करी है, और आज वो रिटायर्ड हो गए, उनके 2 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, किस जो पास लोग ऐसे जो इंतकाल कर चुके हैं उनकी बेवाएं यहाँ पे रह रही हैं, उनको आप ये बताइए कि 7 दिन का नोटिस खाली करने का दिया जा रहा है, जो वो 5,000 और 6,000 पेंशन में गुजारा कर रही हैं, वो 5-6 हज़ार की पेंशन में अपने घर चलाएंगी, अपने बच्चों को पालेंगी या कहीं किराए पे जाके घर रहेंगी? तो मैं अकामे बाला से गुजारिश करता हूँ कि आप इसका सब्स्टिट्यूट बताइए ना कि वो किराए पे घर भी नहीं ले सकते, अगर वो 7 दिन के आप 20 दिन का भी नोटिस दिया जाए, 1 महीने का भी नोटिस दिया जाए, वो 1 महीने बाद क्या 1 साल बाद भी वो घर किराए पे नहीं ले सकते, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो 5,000 या 6,000 रुपये या 8,000 रुपये पेंशन में गुजारा कर रहे हैं, 4-4 बच्चे उनके शौहर का इंतकाल हो चुका है, तो वो किस तरह से यहाँ पे सर्वाइव करेंगे? एक और बात के जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि आपने किसी किस्म का गवर्नमेंट है, मुझे नहीं समझ में आता कि गवर्नमेंट, अब देखिए अदालत ने जो हुक्म दिया कार्रवाई करना जो है वो महकमाती और हुकूमत की जो थी वो जिम्मेदारी थी, ठीक है, ये हुकूमत की नाक के नीचे हो रहा है सब कुछ, ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमत इस पर बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हो, जो महकमा इसमें जो है वो कार्रवाई करने के लिए, जो अमला यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए आता है, मुझे ये बताइए कि उनका जब वो आ रहे होते हैं तो किस किस्म का उनका रवैया होता है, ज़रा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है या फिर इस किस्म का होता है कि बस उन्होंने जैसे ऑर्डर दिए हो आपको, हुक्म दिया हो कि बस 7 दिन के अंदर खाली करना है तो करना है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी होती है अमले की? आप तो हुक्म की बात कर रही हैं, यहाँ तो उन्होंने लोगों को थप्पड़ मारे हैं, बुजुर्गों को, दाढ़ी वालों को थप्पड़ मार मार के कहा है कि निकलो यहाँ से, जाओ, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, हमने यहाँ कोई ज़बरदस्ती करके थोड़ी वो करा हुआ है कि बैठा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर ही ऑर्डर दिया है इनको। जिसने ये हरकत की है कि जिसने बुजुर्गों पर हाथ उठाया है, पहले बात तो ये कि आपने जो ये जुमला बोला है कि ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, बाप की जागीर यहाँ पे किसी की भी नहीं है, फिर अगर इनकी नहीं है ना तो फिर किसी की भी नहीं है, ना मेरी ना आपकी ना फिर अगर इनकी नहीं है तो फिर किसी की भी नहीं है, तो कोई इस जोन में ना रहे कि यहाँ पर अगर आप इतना जो है वो इस तरीके से कार्रवाई करेंगे तो आप करके चले जाएंगे और पीछे कोई बोलने वाला नहीं होगा, हम बैठे हुए अभी, और हम इसके लिए
अगर हम अब तक जो है वो 50 के करीब प्रोग्राम जो है वो हम लाइनअप को वैसी करके बैठे हुए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई ऐसा हम प्रोग्राम कर मुरतब कर दें कि जिसकी वजह से फिर एक दफा फिर कोई ऐसा एक्शन लेना पड़ जाए कि फिर उसके बाद आपको पता है कि फिर जब हम लोग किसी बात के ऊपर आवाज उठाते हैं, जिस वक्त हद से ज्यादा बात निकल जाती है, जुल्म जो होता है या जबर होता है वो हद से ज्यादा होता है या जो बदतमीजी होती है वो हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर हम कोई ऐसा प्रोग्राम जरूर मुरतब कर देते हैं जिसकी वजह से ऐवान हिल जाते हैं। आप अच्छे तरीके से हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट जानते हैं, तो ये मुझे बताइएगा कि जिस उस शख्स का नाम आप बता सकते हैं कुछ नाम? तो हमने उनको देखा ही पहली दफा है यहाँ पर, हम तो जानते ही नहीं है। नाम है उसका SDM फहीम सिद्दीकी नाम है उसका, और लोगों के साथ इस तरह पेश आ रहा था कि वही खुदा है, उससे आप सलाम करें, सलाम का जवाब फिरौनियत बिल्कुल। अगर अब मैं खुद भी कहता, मेरे छोटे भाई को उसने उठाया था, क्योंकि जब दुकान मेरी दुकान तोड़ी थी तो उस वक्त वो घर में सोता था, मैं बच्चों को लेने गया था। जैसे वो बाहर आया तो उसने कहा भाई रुक जाओ मैं सामान निकालूं, तो उसने कहा सामान निकालने का नहीं किया तो उसको बोला इसको फोन करो उठा के। अच्छा एक और बात, क्या नाम बताया? फहीम सिद्दीकी। फहीम सिद्दीकी का नाम यहाँ पे लिया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो है वो हमारे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि हम जो है वो इसके खिलाफ कोई फैसला या फिर हम कोई अदालत सजा के बैठ जाए, लेकिन जो अदालतों के रखवाले हैं हम चीफ जस्टिस साहब से ये अपील कर रहे हैं, सुन लीजिए हजूर सर, सुन लीजिए कि यहाँ पर कार्रवाई के नाम पर फिरौनियत किस तरीके से जो है वो सामने आती है। बुजुर्गों का ना लिहाज किया जाता है, उनको दाढ़ियों से पकड़ पकड़ के जो है उनके उनको कहा जाता है तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, तो क्या आप मुझे बता दीजिए कि फिर तो यहाँ पर ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फिर तो यहाँ पे कोई भी महफूज नहीं है, फिर तो मैं भी साइमा कमरे में महफूज नहीं है, फिर तो मैं ये समझू क्या कि जिनके पास जब बुजुर्गों का बेहरमती कर रहे हैं, हम तो चकरा करके वैसे ही गिर जाते हैं, शुगर के मरीज हैं, इंसुलिन पर जी रहे हैं और ऊपर से इतना प्रेशर हम पे डाल दिया गया है, नींद भी नहीं आती, भूख भी नहीं लगती, जितनी पेंशन है इससे ज्यादा की तो कोई क्रिमिनल लोग नहीं है, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ। और अगर कार्रवाई के नाम पर इस तरीके से इनके साथ जो है वो गैर इंसानी सलूक होता है, तो फिर चीफ जस्टिस साहब साइमा कंवल से पहले K21 के इस प्लेटफॉर्म से पहले आपको इस हवाले से नोटिस लेना चाहिए। और हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चूंकि शायद आपको इस हवाले से जो था वो इल्म नहीं था, इस वजह से हम आपको बता रहे हैं, आखिरी उम्मीद मैं बता रही हूं कि अब हुकूमत से इतनी नहीं है, आपसे ज्यादा उम्मीद है, तो आप जो फैसला जो आपने किया है, मैं ये नहीं कह रही हूं आपने गलत फैसला किया, लेकिन फैसला जिस तरीके से उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है, जरा एक नजर हजूर वाला जरा इस कार्रवाई के करने वालों की तरफ भी रखिए। और अगर कहीं से आपको ऐसी रिपोर्ट, मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूं यहां पर, क्या हम ये समझें कि यहाँ पर ना किसी की इज्जत महफूज है ना किसी का घर महफूज है? क्या हम ये समझें कि हम अपने दो पांव रखने की जो जमीन अगर हमारी है तो वो भी दरअसल हमारी नहीं है, और सिर्फ हक है पाकिस्तान में और कराची में जीने का तो वो उनके हाथ में है जिनके हाथ में कोई ना कोई पावर है? क्या हम ये समझें? या फिर जो बेचारे सादा लोग, ये 9 to 5 की जॉब करने वाले लोग हैं, अगर इनके पीछे किसी का इनकी कोई पुश्त पनाह ही नहीं कर रहा, तो फिर कोई भी आएगा कार्रवाई के नाम पर और इनके साथ जो है वो इस तरीके से एक इंसानियत सोच सलूक करके चला जाएगा, और हम आंखें बंद करके देखते रहे, अफसोस करते रहे दिल में। ठीक है, अल्लाह पाक ने हम लोगों को बहैसियत मुसलमान ये पाबंद किया है, एक सबसे ज्यादा वीक लेवल आपका होता है वो होता है जब आप सिर्फ दिल में जो है वो उसके लिए अफसोस करें, और वो सबसे ज्यादा कमजोर ईमान का जो होता है वो एक लेवल होता है। क्या हम लोग इस कदर गए गुजरे हैं कि इतने बड़े जुल्म के ऊपर हम हाथ से ना हमारा हाथ उठ रहा है हमको रोकने के लिए और ना हमारी जुबान, कम से कम मैं तो अपनी जुबान जो है वो इसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास मेरे से कई गुना ज्यादा अथॉरिटी है, आप हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं, गिरेबान उनका पकड़ सकते हैं, और अगर आप नहीं पकड़ रहे तो आप खुद सोच लीजिए कि फिर हम ईमान के किस लेवल पे जो है वो हम स्टैंड करते हैं। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त, खवातीन से बात करूंगी, लेकिन इससे पहले आपको कुछ मैं दिखा दूं। ये सामने आपको जो मलिया मेट कुछ नजर आ रहा है, यहाँ पर डिमोलिश कुछ इमारत नजर आ रही है, यहाँ पर कुछ दिन पहले तक जो थी खासी रौनक थी, आज वो मलबे का ढेर बनी हुई है। अभी ये मलबा पता नहीं कब तक पड़ा रहेगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, कब तक पड़ा रहेगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो कार्रवाई हुई है उसका मलबा जो था वो रो रो के जो था वो उठवाया गया था, जब बिल्कुल अस्पताल में
कदम रखने की जगह नहीं थी, इतने लोग बीमार हो चुके थे उस मलबे के ना उठाने की वजह से। आज ये यहाँ पर इस तरीके से, अच्छा ये एक आपको हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, अगर यहाँ पर वो कार्रवाई की जाती है तो खुदा ना खासा मेरे मुंह में खाक। आप ये समझ लें कि ये जो तमाम आपको इस वक्त भरे पूरे घर नजर आ रहे हैं ये इसी तरीके से मलिया मेट होंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप ये जगह खाली करके जो है वो यहाँ पर कौन सी जन्नत जो है वो बसाना चाह रहे हैं। जो लोगों को आप यहाँ से बेघर करेंगे, लाखों लाखों बंदा बेघर होगा। 2 लाख तो सिर्फ इस जगह की तकरीबन जो है वो आबादी है एफसी एरिया की, ये याद रखिएगा। और कितने लोग यहाँ से बेघर होंगे अपने खानदान समेत, इसका खुद आप एस्टिमेट लगा लें। सिर्फ इस जगह की अगर मैं बात करूं, पूरे कराची की बात करूंगी तो फिर तो रात को आपको नींद नहीं आएगी। इतने बड़े पैमाने पर जब लोग जो है वो बेघर होंगे तो फिर आप मुझे सोच लीजिए कि आपको मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से अंदाजा होना चाहिए। आप इतने बड़ा जो एक इंसानी बेघरी का जो एक उनका एक स्पेल आएगा, ये इतना बड़ा मसला होगा, आपसे थोड़े बहुत तो मामलात उसकी मैनेजमेंट आपसे हो नहीं पाती। चाहे वो हुकूमत सिंध हो, बलदियाती हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, कोई भी मामला हो, आपके पास उजर ज्यादा होते हैं, आपके पास किसी किस्म की कोई प्लानिंग तो होती नहीं है। आपकी प्लानिंग कितनी ज्यादा अच्छी है उसका अंदाजा यहाँ से हो रहा है कि बगैर किसी सिर्फ 7 दिन के नोटिस के ऊपर आपने जो है वो यहाँ पर लोगों को घर खाली करने को कह दिया है। इतनी बड़ी फिरौनियत और जालिमाना कार्रवाई बगैर अकल के इस्तेमाल किए हुए, ये अगर कोई कर सकता है तो वही ना अहल लोग कर सकते हैं कि जो हम पर मुसल्लत है। सुना है कि, और कहा भी जाता है बहुत ऑथेंटिक एक बात है, कि जैसे लोग वैसे हुक्मरान, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ठीक है हम लोग बहुत गुनहगार हैं, बहुत हम में खामियां होंगी, लेकिन इतनी भी खामियां मेरे ख्याल में कि हम इतने भी शायद अल्लाह जानता है कि क्या वाकई हम इतने गुनहगार हैं कि ऐसे हम लोगों पर लोग मुसल्लत कर दिए गए जो ना जिनके अंदर अकल नाम की कोई चीज़ नहीं, प्लानिंग नाम की कोई चीज़ नहीं, अच्छी नीयत है उनकी, पता नहीं नीयतों के हाल तो खैर अल्लाह ताला जानता है। हर मामले में उनकी तरफ सवालिया निशान जो है वो उनकी कारकर्दगी पर उठ जाता है। 7 दिन की नोटिस के ऊपर कौन सा खानदान है जो अपना भरा पूरा घर जो 50 सालों से रह रहा है, 50, 40, 30 साल, हम शादी होके आए, हमारे बच्चे इस घर में जवान हो गए। अगर हमारी हैसियत होती तो हम ये घर कब का छोड़ के चले जाते, हैसियत होती तो छोड़ के चले जाते। गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट की हमने खिदमत की, सब कुछ किया, वो खाली कराते वक्त ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि हमारी नस्लें जो यहाँ पढ़ रही हैं, यहाँ पढ़ रही हैं, एक एक घर से 3-3 लोग जॉब करने जाते हैं। क्यों करने जाते हैं? शौकिया। अच्छा, एक और चीज़ आप इस बात की तस्दीक करती हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं थी, कि कार्रवाई के दौरान में बुजुर्गों के साथ और बिल्कुल मैं खुद अपने छोटे बेटे के साथ राउंड पे निकली हूँ, चलो बेटा कहाँ तोड़ रहे हैं चल के देखते हैं, खुद देखा है हमने, किसी के नहीं सुन रहे भाई, क्या बन के बैठे हैं, ये धक्का दे दे के लोगों को हटाया है और ये बड़ी मशीन ला के तो खुद क्या बन गए, बस समझे आप, समझ गए ना कि बस मशीन बिल्कुल कि बस ये डाला और ये टूटा, जाहिर इंसान हटेगा इतनी बड़ी बड़ी मशीन के आगे। तो मैं कहना चाह रही हूँ वो खाली कराते वक्त ये क्यों नहीं सोच रहे, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, एक एक घर से 3-3 लोग जॉब करने निकल रहे हैं, हैसियत नहीं है जभी तो, और सोचे उन लोगों को फिर निकाल देंगे, बच्चियाँ सिपारे पढ़ा। मैं सिर्फ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर मुझ जैसी एक, मैं कहती हूँ कि बेवकूफ तरीन मैं अपने आप को कह देती हूँ, आपके दिल खुश हो जाएगा, मैं अपने आप को बेवकूफ कह रही हूँ, मुझ जैसी एक बेवकूफ शख्सियत भी जब किसी को नोटिस देगी ना, बोल तो मैं अल्लाह का शुक्र है कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी को इस तरीके से नोटिस दूं। मुझे अगर नोटिस देना पड़ेगा ना तो पहले मुझ जैसे बेवकूफ के जहन में भी यह सवाल आएगा कि भाई 7 दिन के नोटिस पे अब इन्होंने अगर किराए के घर में भी अगर जाना होगा तो कम से कम 1 महीने का वक्त जो होता है ना वो लाजमी चाहिए होता है, 1 महीने का नोटिस या होना तो इससे ज्यादा का चाहिए, लेकिन बहरहाल कम से कम 1 महीने का, क्योंकि कोई प्लेट में लेकर जो है ना वो किराए के घर जो है वो नहीं बैठा होगा कि आएंगे ये लोग और किराए के घर जो है वो हमसे लेंगे। नहीं, कराची है जनाब, यहाँ पर आपकी जमीन इतनी नहीं है जितना यहाँ पर इस वक्त जो है वो पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं रोजी कमाने के लिए, किराए के घर मिलते ही गए, आप अच्छे तरीके से जानते, खैर आप कैसे जानेंगे, आपके तो अपने बड़े बड़े घर बंगले हैं, अपने पत्नी कहाँ कहाँ आप लोगों ने अपने बंगले बनाए हुए हैं, आप लोगों को क्या पता कि किस तरीके से आम लोगों के मसाइल होते हैं, किस तरीके से किराए के घर में अगर किसी ने शिफ्ट होना होता है उसके लिए किस तरीके से रात की नींदें हराम होती हैं, किराए के घर मिल नहीं रहे होते, अगर आपने किसी के किराए के घर के लिए जो है वो आपने कोशिश करनी होती है तो अगला बंदा किराया इतना बता देता है कि किसी की इतनी हिम्मत होती है, किसी की नहीं होती है। तो इतने लाखों लोगों का यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि तकरीबन एफसी में, अगर एफसी एरिया में सिर्फ अगर बात की जाए तो 2 लाख से ज्यादा का बिल्कुल है। हाँ, आपको अंदाजा है कि अगर खुदा ना खास्ता कार्रवाई होती है तो कहाँ पे जाएंगे आप लोग? कोई पता नहीं, कोई आसरा नहीं है, कुछ पता नहीं है।
अगर हमारी हैसियत होती तो हम पहले ही नहीं चले जाते किराए के घर में। ये बताइए कि आप लोगों में से कोई एक ऐसा जो है वो शख्स होगा या कोई खातून ऐसी होंगी जिसको कोई फिक्र ही ना हो कि ठीक है सही है कार्रवाई होती है तो होते रहे हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर आप तमाम की तमाम फैमिलीज यहाँ पर मौजूद हैं तमाम के तमाम इस बात के जो है वो तस्दीक करते हैं कि हमें रात को ना नींद आ रही है ना हमसे खाना खाया जा रहा है जैसे कि बुजुर्ग बता रहे थे। ये बिल्कुल ऐसे ही है, ना हमें नींद आ रही है ना कोई चीज़ अच्छी लग रही है, यहाँ तक कि फंक्शन होता है उसमें भी सोते जागते ख्वाबों में भी यही आ रहा है। हम तो ये आला हुकम से ये अपील करते हैं कि हमें बेदखल ना किया जाए। 50 लाख घर दे रहे हैं ना आप, उनमें से हमारे 5000 घर हमें दे दें यही वाले। हर लाखों की नौकरी के हवाले से भी बात की जा रही थी और सुनने में आ रहा था फैसल वावड़ा साहब ने ये एक इंकशाफ किया है और पता नहीं वो गोली किसको दे रहे थे, किसको दे रहे थे गोली भाई आपके एक हफ्ते बाद और कुछ दिन बाद जो है वो लोग कम होंगे नौकरियाँ ज़्यादा होंगी भाई कहाँ से लेकर आते हैं आप ये तमाम जुमले आपके जहन में आते हैं किस तरीके से। आज तक अल्लाह माफ़ करे 7 महीने हो गए इस हुकूमत को आए हुए, जो एक वादा किया गया था उनमें से कोई एक वादा पूरा अगर हो गया हो तो यार मुझे बता दो, मैं जाहिल जापान मुझे नहीं मालूम, मैं मीडिया में हूँ शायद हो सकता है मैं राय का अगेन वही वाली बात जो मेरे बारे में मशहूर है मैं राय का पहाड़ बना देती हूँ, हो सकता है मैं राय का पहाड़ बना रही हूँ। आपके पास सबूत है, आपने अगर कुछ ऐसा किया है तो आइए जरा दिखा दीजिए। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हर कोई जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुंह में एक चर्बी भरी जुबान लेके बैठा हुआ है, दावे बहुत कर रहे होते हैं लेकिन जब प्रैक्टिकल का वक्त आता है तो इस तरह हाथ खड़े करके ऐसे उजर पेश कर रहे होते हैं कि जैसे इनका वास्ता लेना देना कुछ है ही नहीं आवाम के साथ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर सारे ही गरीब तबके के लोग हैं, कोई भी अमीर नहीं है, यहाँ तो 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, किराया कैसे देंगे हम लोग। और दूसरा ये जो 10 लाख 20 लाख घर बनाने की बात कर रहे हैं, इनको हमारे 2-2 कमरे के मकान खल रहे हैं। मेरी माँ इतनी बीमार थी उसको फालिश का अटैक हो गया ये सुनकर और वो इस दुनिया से चली गई। हमारी तो वैसा का ये सुन के इंतकाल हुआ जी, वो बीमार तो थी उनको फालिश का अटैक हुआ उसमें ही वो चली गई। अब ये बताएं हमारी जन्नत तो हमसे चले गए, जन्नत जैसे घर भी छीन रही है हमसे, हम कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे खाएंगे किराए देंगे उनको पढ़ाएंगे, तालीम इतनी महंगी है, ये लोग तो सब बाहर जा जाके अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं और हम एक मिडिल क्लास स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को। ये बताएं जब 2-3 दिन हम अपने मियाँ के साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं फिर भी घर का पूरा नहीं होता और किराए पे चले जाएंगे तो किस तरीके से करेंगे। और ये अभी यहाँ से निकालने की बात करते हैं, यहाँ रह के हम घर नहीं बना पाए तो यहाँ से निकल के घर कैसे बनाएंगे और कहाँ जाएंगे। पहले इन्होंने अच्छी कीमतें ले लेके बेच दिए घर और अब किराए से निकालने की बात करते हैं, बाहर निकालने की बेदखल करने की बात करते हैं। अच्छा फर्ज करें कि अगर ये कार्रवाई फर्ज करें की जाती है आपके पास कोई ऑप्शन है या फिर डू और डाई वाला मामला होगा? क्या करेंगे, मर तो नहीं सकते ना अपने बच्चों के खातिर जिंदगी गुजारनी है तो क्या रोड पे हम लोग अपना सामान लेके बैठेंगे? डू एंड डाई वाला मामला करेंगे, मरेंगे हम खाली नहीं करेंगे घर, हम सब रोड पर बैठेंगे। यही ये सुन लीजिए कि ये लाखों बंदा अगर रोड के ऊपर आ गया ना, मैं आपको फिर याद दिला रही हूँ कि मामूली सी कोई अगर आपको कहीं पे सड़क बनानी होती है तो आपसे वो चीजें संभल नहीं रही होती, किस तरीके से ट्रैफिक का बहाव करना है, बहाव लेके जाना है, ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करना है, आपसे तो ये मैनेजमेंट नहीं होती, आपसे तो कोई छोटे छोटे मसले आपसे हल नहीं होते। इतने बड़े पैमाने पर अगर ये लोग सड़क के ऊपर आ गए अपने घर वालों समेत, पूरे खानदानों समेत, बच्चियों समेत, खवातीन समेत, पहले तो मुझे इस चीज का कोई जवाब दे दे कि जवान बच्चियों के साथ अगर कोई इस तरीके से बेसुरो सामानी की हालत में बाहर आएगा ना उसको आप करेंगे? आपको अंदाजा है कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे आज घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर जो है वो लड़कियां महफूज नहीं होती हैं, खवातीन महफूज नहीं होती हैं, सड़क के ऊपर अगर वो जाती हैं और इस तरीके से बेसुरो सामानी की हालत में उनमें से अगर कोई मिसहैप हो जाता है ना तो फिर ये याद रखिएगा कि पर्चा सीधा आप ही के खिलाफ कटेगा, यानी वो जो कार्रवाई करने के लिए आए जिनकी बेहंगम बगैर किसी रब्त के बगैर किसी प्लानिंग के और इंतहाई फोड़ अंदाज में जिस तरीके से आप बेहंगम तरीके से फिरौनियत के जज्बात लेके पता नहीं आपको किस तरीके से इन लोगों के अंदर जो है वो अपनी माँ बहन बुजुर्ग बाप नजर नहीं आता, मतलब हम मुझे हैरानगी होती है कि आपका इतना हौसला नहीं बल्कि आपका इतना ज़्यादा जो है वो करख्त दिल कैसे है कि आपको कार्रवाई करने से पहले कम से कम अगर आप कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं, मुझे अगर कार्रवाई करने के लिए अगर मुझे भारत में मजबूरी भी आना पड़ेगा ना तो मेरे दिल के अंदर एक गिल्ट होगा कि यार मैं किस तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, अगर कार्रवाई करनी भी होगी तो मैं लीनियंट रहूंगी, मैं इनकी बात कम से कम सुनूंगी। ऐसा नहीं हो कि कोई किसी की गिरेबान पकड़ के दाढ़ी पकड़ के जो है ये वही शख्स कर सकता है जिसके अंदर ना ईमान ना उसके अंदर जो है वो अपनी ना इंसानियत होगी
और जो अपनी कब्र से जो गाफिल होगा और जिसको ये यकीन होगा कि पता नहीं मैंने मरना भी है या नहीं मरना या मैंने सारी जिंदगी इसी दुनिया के अंदर रहना है, शायद वही शख्स ऐसी कार्रवाई कर सकता है। बहरहाल सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर वाकई ही में सख्त अल्फाज जस्टिफाई करते हैं। इसके हवाले से जिन लोगों ने यह कार्रवाई की है अगर वो इस हवाले से हमसे राबता करके अपनी कोई सफाई देना चाहते हैं तो चूंकि प्लेटफॉर्म हमारा न्यूट्रल है, आइए हमसे बात कीजिए, आइए लोगों के आमने सामने आइए। आपको कार्रवाई करने के लिए कहा गया था, आपको ये नहीं कहा गया था कि आप लोगों की इज्जत पामाल करते हुए, बुजुर्गों की इज्जत पामाल करते हुए आप इंसानी जो एक इंसानियत होती है उसकी वो जो एक बाउंड्री लाइन होती है आप उसको क्रॉस कर जाएं। ये कोई अदालत ना आपको हुक्म दे रही है ना आपको कोई हुकूमत कोई हुक्म दे रही है। प्रोग्राम से आपको ये बताने का मकसद ये है कि इस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की गई है, अब भी आप बर्दाश्त करेंगे कि इस तरीके से? ये तो बात का मामला है कि इनके घरों का जो है वो क्या जो है वो फैसला होता है, लेकिन जो कार्रवाई की गई है जिस पैमाने पर कार्रवाई की गई है सवाल इसके ऊपर पहले उठ रहे हैं। इसके ऊपर अगर अभी भी अगर बात जो है वो समझ में नहीं आती और अभी भी अगर चुप का रोजा रखा जाता है हुकूमत की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से या फिर कोई भी रेलेवेंट ऐसा इदारा हो, तो मैं समझूंगी कि ये वाकई में फिर ऐसा पाकिस्तान का निजाम बना दिया गया है जिसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस। छोटी सी ब्रेक का वक्त। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमें जरा थोड़ा सा फासला तय करना पड़ा है। एफसी एरिया में मौजूद है लेकिन जगह जो है वो बदल चुकी है। यहाँ पर भी लोगों की तादाद से आपको अंदाजा हो जाएगा। अभी तो पता नहीं आपको सही तरीके से दिखाई दे रहा है कैमरे के ऊपर या हमारे प्रोग्राम में या नहीं, स्क्रीन पत्नी सही तरीके से इंसाफ कर भी रही है या नहीं कर पाएगी। यहाँ पर भी इतने ही ज्यादा लोग हैं, मैं ये सोच रही हूँ कि सबके सब अगर लोग यहाँ पर है तो अभी तो बहुत सारे घर के अंदर भी मौजूद होंगे। तादाद कितनी बन रही है अंदाजा खुद आप लगा सकते हैं। तो सुना है कि यहाँ पर भी वही जालिमाना कार्रवाई का आगाज हो चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जालिमाना कार्रवाई हो रही है और नोटिस आ चुके हैं यहाँ के। ये अब हम वजीर आजम और वजीर आला वफाकी गवर्नमेंट और हमारी अपनी गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हमारे फ्लैट रुकवाए जाएं, इन हमें घर से भेजा। अच्छा, ये बताए माँ जी, आप बुजुर्ग हैं, आप मुझे बताइए जो यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए आए थे उनका रवैया कैसा था, पहले तो ये बताइए। आप बताएंगे? बहुत गलत रवैया था उनका, यही सुनना चाह रही हूं। रवैया था उनका, आप देखते तो आप खुद को आपको लोगों को पता लगता कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ से बर्तन फेंकने की बात हो रही है कि बर्तन, हम 35 साल से मुतासिर हैं, हम कब्जा ग्रुप नहीं है, 35 साल हो गए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, हमारे बच्चे तो नहीं वहाँ भी, तो हम अपने घर मकान छोड़ के आए, ऐसे तो नहीं, हम ऐसे आ गए, हमें बिठाया गया था। आपके आबाओ अजदाद की आप बात कर रही हैं जो भारत में अपने जो ये यानी कि इंडिया में घर छोड़, अंदरूनी सिंध में से छोड़ के आए। आप उनकी बात कर रही हैं जो अंदरूनी सिंध से अपने घर छोड़ के आए, हमें बेनजीर के टाइम पे बिठाया था अल्लाह के, तो अब जब बैठे ही है 35 साल हो गए, कहाँ जाए, बाहर नहर में जाकर डूबे, दरिया में। अगर यहाँ पर आज बेनजीर भुट्टो शहीद जिंदा होती तो आपको लगता है कि ऐसे हालात होते? नहीं होते, नहीं होते। एक एक फ्लैट में तीन तीन फैमिली रह रही है, कहाँ बच्चों को लेके जा? ये बता, दरिया में जाके पढ़े क्या? 35 साल से रह रहे हैं, दरिया में जाके पूरे जाके बहु बेटियों को लेके कहाँ जाए? बेगैरती की लिहाज होती है, इसकी बेगैरती नहीं होती। इतनी बड़ी तादाद में तो दरिया भी आप लोगों को कबूल नहीं करेगा, अगर आप जाएंगे इतनी बड़ी तादाद में तो वो भी दरिया भी जो है वो उबल जाएगा। हुकूमत ऐसी आई सब का। अस्सलाम वालेकुम माजी, ये मुझे तो पहले ये बताइएगा जो कार्रवाई करने के लिए आए थे, सुने उनका रवैया बहुत ज्यादा बदतमीजी वाला और हद तक आमेज था। हाँ, बहुत बदतमीजी का था, कह रहे थे आप लोग खाली नहीं करेंगे, हम बर्तन फेंक देंगे, सामान फेंक देंगे, तो इस तरीके से तो नहीं होता है, हम गरीब आदमी कहाँ जाए, बच्चे हमारे कमाने जाते हैं। ऐसे कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी फैमिली, कोई ऐसी खातून है जो ये दावा करती है कि ठीक है सही है कि अगर ये कार्रवाई होती है तो मेरे पास इतना है कि मैं कोई जो है वो किराए का घर ले सकती हूँ या मैं कोई अपने, या सबके सब जो है तो हम यहाँ से ये आज मजमा जमा ना करते, अगर हमारे पास इतना होता कि हम अपने लिए कोई भी बंदोबस्त कर सकते तो हम इस, यानी ये बात तो कन्वर्ट
यही चीज सुनना चाह रही थी, आपको यही चीज दिखानी थी कि इनमें से किसी के पास अगर किसी को लगता है कि आप इनको घर से निकालेंगे, घर मिसमार करेंगे, तो इनके पास कोई कोई दूसरा ठिकाना होगा। आखिरी हमारी हाल समंदर है, बस बस, जब इतने घोट बनाए हुकूमत ने तो हमारे लिए भी घोट बना के दिया जाए। कहाँ तक हम अपने छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेकर जाएं? गैस का भर है, हर चीज का भर, हर चीज का भर, पानी का हम भर रहे हैं, उसके बावजूद हमें बच्चे हैं आपके? जी बिल्कुल। आप ये मुझे बताइए कि कितने बच्चे, पहले तो ये बताइए। दो बच्चे। दो बच्चे हैं, दो बच्चों समेत अगर आपको कहीं जाना पड़े, कि आपके पास इतना सरमाया है कि कोई छोटा मोटा किराए के दो कमरों का कोई घर ले ले? आप खुद सोचे, तुम्हारे शोर की तनख्वाह ये 14,000 तनख्वाह है, बच्ची को पढ़ाया जा रहा है, और देखो वैसे फेंक फेंक के गए, इतनी दुकानें तोड़ी गई है, मकान में एक फ्लैट में 3 फैमिलियां रह रही है, और वो कैसे रह रही है सबका दिल जानता है। आज पर है ना पूरे FC एरिया परेशान है बहुत। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि सिर्फ FC एरिया नहीं, पाकिस्तान चौक, जमशेद क्वार्टर, मार्टन क्वार्टर, सभी परेशान है। वही तो कह रहे ना, सब जगह पहुँच रही है, लोग कितना गलत कर रहे हैं। 30-35 साल अहमियत रखते हैं, 30-35 साल में अगर होता तो जमा करके रखते ना, मगर क्या आलू प्याज का ठेला लगाते थे हमारे शोर, और स्कूल बच्ची जाती है, हम लोग इतने परेशान रहते हैं, इन्होंने इतना टेंशन दिया हुआ है कि काम पे भी नहीं जा रहे, कि किस टाइम भी आ जाए, किस टाइम घर गिरा के चले जाए, तो आप बताएं कहाँ जाए, कहाँ अपना करे। बीवी, आप इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि जो अमला आया था यहाँ पे कार्रवाई करने के लिए बहुत गैर मुनासिब और हद तक आमेज उसका रवैया था आप लोगों के साथ? जी बहुत बहुत बुरा था, इतना था कि लोग हाथ पांव जोड़े, मगर उन लोगों ने फेंक देंगे, हम ये करेंगे, हम घर गिरा जाएंगे, क्या घर इंसानों पे गिराएंगे? वो आकर लहजा उनका फिरौनियत वाला था जी, बदतमीजी पे उतरे हुए थे वो लोग तो। अब हम कहाँ जाए, 35 साल से हम तो अपना घर छोड़कर वहाँ भी आ गए थे, अब यहाँ से भी हम कहाँ जाएंगे? हम लोग क्या हिजरत ही करते रहेंगे? हमारे लिए हुकूमत ने क्या बनाया? कुछ भी नहीं बनाया। एक ये 3 ख्याली घर बन रहा है ना, ख्याली नौकरियां और ख्याली घर बना रही है ना वो, नौकरियों को तो पता नहीं, घरों का तो पता नहीं, फिलहाल तो जिनके सरों पे छतें थी इस दौर में, वो भी छीनने की तैयारी हो रही है। गरीबों से उनके घर छीनते हैं यहाँ पे, और वजीर आजम पाकिस्तान जो इमरान खान, उनका अपना घर जो बनीगाला के अंदर है वो रेगुलराइज नहीं है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है, घर को लीज करो, जो उन्होंने ये तो खंडरा छोड़ दे गवर्नमेंट ने। सबसे पहले हमारा हुक जो छीना गया है यहाँ पे, वो ये था कि हमारे पास वफाक था यहाँ पे आके, वफाक उठा के वहाँ छोड़कर लेके इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद को तामीर किया, ये तो खंडरात थे, खंडरात को हमारे अपने अपने लहू से सींच के इसको घर बनाया, घर तो इसको हमने बनाया यहाँ पे आके, और आज ऐलान करते हैं कि 50 लाख लोगों को उनके घर देंगे, किस तरह घर देंगे? हम गरीबों को अपने उनके घरों से निकाल के ये लोग घर देंगे? अस्सलाम वालेकुम। एक और ऐसा प्रोग्राम करने के लिए हम आज आए हैं, पहले हम लोग जो थे वो जमशेद क्वार्टर, मार्टन क्वार्टर, पाकिस्तान क्वार्टर, अब FC एरिया में आए हैं। कभी हम दुकानों को जो मिसमार किया जाने की जो एक हमें कहीं से इत्तला मिलती है, हम कभी उनकी दादरसी करने के लिए और उनकी बात सुनाने के लिए और उनके हवाले से बात करने के लिए जाते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा कराची शायद सवाए उसके कि जहां पर कब्जे की ज़मीन है, जहां पर चाइना कटिंग है, जहां पर बड़े बड़े नाम जिनके पीछे हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, सिर्फ लगता है उन्हीं की जिंदगी ज़मीनें और उन्हीं के घर महफूज हैं। आम आदमी का लगता है कि अब कोई भी जगह जो है वो महफूज नहीं रही है, उसका अगर घर बनाया है तो घर किसी वक्त भी तोड़ दिया जाएगा, ऐसी फीलिंग आना शुरू हो गई अब तो। हम बानियाने पाकिस्तान की औलाद हैं, हम कब्जा ग्रुप नहीं है, बानियाने पाकिस्तान की औलाद हैं। यही तो है, अगर बानियाने पाकिस्तान की औलाद के साथ ये हो रहा है, आते ना अगर ये अफगानिस्तान से तो प्लेट में रख के इनको नेशनलिटी दी जाती, आज बानियाने पाकिस्तान है, इसी बात की इनको लगता है सजा दी जा रही है। 1971 में भी सिंध से हमें निकाला गया, हमारे भाइयों को मारा गया और लूटे गए हमारी अमलाक, हम फिर मोहतरमा के दौर में, फिर मोहतरमा ने हमें यहाँ आबाद किया गया, ये फ्लैट हमें दिए गए कि रोटी कपड़ा मकान, जुल्फकार अली भुट्टो की रूह आज तड़प रही होगी, मोहतरमा की रूह भी तड़प रही, आज सिंध हुकूमत बदमाशी दिखा रही है, ये कैसे हुक्मरान है, कैसे लोग हैं, PWD के शहजाद और राणा कुलम कुल्ला बदमाशी करते हैं, पैसे लेके इन्होंने जगह अमला ये बनवाई और आज उनको खाली करा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उन लोगों को कहा जा रहा है खाली कर दो, हम ये करवा देंगे, आर्मी ले आएंगे, बिल्डोजर चला देंगे, आप लोगों के आर्मियों को उठा के ले जाएंगे, हमारे लोग परेशान है। अल्लाह और रसूल के वास्ते जो भी हुक्मरान है, जो निक्की के अब्बा है, वो भी सुने कि इन लोगों को, मजलूमों को मत छेड़ो, मजलूमों को छेड़ोगे, मजलूमों की आवाज अल्लाह सुनता है, और जो अल्लाह के बंदों को तंग करेगा तो सद्दात,
नमरूद फिरौन का क्या हाल हुआ, इससे बुरा हाल होगा, वो दिन दूर नहीं। गरीबों की आवाज तमाम मजलूमों से, जमशेद क्वार्टर हो, मॉडर्न क्वार्टर हो, मेरी अपील है कि हमारा कोई भी पाकिस्तान में हमारी सुनने वाला नहीं है। अल्लाह से दुआ करो जुमे की नमाज पढ़ के, या अल्लाह ऐसे हुक्मरानों को तबाह और बर्बाद कर दे। हमारे मुल्क को लूटा जा रहा है, बनी गाला बन रहा है, हर चीज बन रही है हमारे। प्रोग्राम का चूंकि वक्त खत्म हो गया है, लेकिन आपसे एक और तस्दीक, आखिरी तस्दीक प्रोग्राम की, एक बुजुर्ग से मैं ले रही हूँ। जो अमला यहाँ पे कार्रवाई करने के लिए आया था, सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए, मैंने सुना है कि उनका रवैया जो था वो बहुत ज्यादा फिरौनियत पर और इंसानियत सोजी पर मबनी था, ये बात दुरुस्त है? ये बात दुरुस्त है। वो फहीम सिद्दीकी साहब है, कोई ऐसी असिस्टेंट कमिश्नर, उन्होंने तो एक बुजुर्ग है उनको थप्पड़ तक मारा, और दूसरे लेडीज के साथ। मैं हैरान हूँ कि इस बात के ऊपर ना आसमान गिरा ना जमीन फटी, बस क्या कह सकते हैं। तो जनाब ये इनमें से आप जरा गौर से देख लीजिए, इनमें से कोई आपको शख्स वो नहीं मिलेगा, ये जरा देख लीजिए, इन बुजुर्गों को पहले देख लीजिए, इन खवातीन को देख लीजिए, इन लोगों को देख लीजिए, इनमें से कोई शख्स आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके ऊपर कोई 100-200 लोगों को कत्ल करने के कोई मुकदमात हो। इनके खिलाफ कोई दहशतगर्दी का कोई मुकदमा नहीं है, ये कोई दहशतगर्द नहीं है, ये किसी किस्म के कोई क्रिमिनल नहीं है, इवन के यहाँ पे किसी का छोटा मोटा भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। बिल्कुल सादा लोग ये इतने छोटे छोटे जिनके क्वार्टर हैं, इन घरों की हालत देखकर आपको अंदाजा हो रहा होगा, ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने छोटे छोटे घोंसलों को तोड़ के और उस पे यहाँ पर, अगर यहाँ पर कोई शख्स जो है, आप ये सोचिए कि अगर आपकी कोई हड्डी, आपकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहा है आपके जीते जाते जिंदा इंसान की, तो वो क्या चीखेगा नहीं? ये तो इनके घर का मामला है, रीढ़ की हड्डी तो मैं बहुत एक छोटी मिसाल दे रही हूँ, तो क्या ये चीखेंगे नहीं? ये कहेंगे कि ठीक है सही है, ओ अच्छा ये कार्रवाई होने के लिए जा रही है, सौ बिस्मिल्लाह आइए घर तोड़िए हमारे, ऐसा तो नहीं होगा ना? उस पर अगर कार्रवाई करने वाले किसी बुजुर्ग को थप्पड़ मार के जाते हैं, उसकी दाढ़ी खींच के जाते हैं, और उस पर भी किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया जाता, आपको तो चाहिए कि ये प्रोग्राम देखते के साथ ही, अगर आपको नहीं मालूम था इससे पहले, तो प्रोग्राम खत्म होने से पहले उस बंदे को आप जो है वो लाइन हाजिर करके उसकी जो है वो आप नौकरी, सिर्फ उसको नौकरी से बर्खास्त करना काफी नहीं होगा, करार वाकई सजा आपको देनी होगी। अगर आपको पाकिस्तान में कोई एग्जाम्पल सेट करना है तो आपको शुरुआत फिर ऐसे वाकयात से करनी होगी, फिर हम मानेंगे कि वाकई तब्दीली आई है, फिर वाकई मानेंगे कि यहाँ पर अदालती और कानून की गिरफ्त इतनी मजबूत है कि फिर कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर ऐसी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती तो फिर हमें ऐसा लगेगा कि पत्नी शायद, शायद मुझे कह लेनी दीजिए, लेट मी से दैट, कि फिर शायद हमें ऐसा लगेगा कि हम में से कोई भी जो है ना, जिसके बैक पर कोई हाथ नहीं है, किसी बिग शॉट का, किसी करता धरता का हाथ अगर मौजूद नहीं है, उसके सर पे उसका जो है वो हाथ मौजूद नहीं है, तो वो उसको यहाँ पर रहने का, जीने का कोई हक ही नहीं है अपने खानदान समेत, तो क्या किया जाए फिर इतने लाखों लोगों का क्या किया जाएगा, सवाल ये पैदा होता है। और एक बात याद रखिएगा, जो जो लोग यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए जिस फिरौनियत के साथ आए, जिस तरीके से बदतमीजी नहीं बल्कि आपने एक इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए हत्तक आमेज रवैया आपने खवातीन और बुजुर्गों के साथ आपने खुसूसी तौर पे यहाँ पे अपनाया, एक बात याद रखिएगा, अल्लाह पाक शहदाद नमरूद फिरौन उसको बाद में उतारता है, पहले उनका को तोड़ जो है ना मूसा की शक्ल में वो पहले उतार देता है अल्लाह ताला, ये याद रखिएगा, और फिर उसके बाद किसी को भी जो है वो संभलने का मौका नहीं मिलता। तो ये याद रखिएगा, फिरौनियत दिखाओगे तो परवरदिगार ने कोई मूसा जरूर भेजा होगा यहाँ पर, मूसा कहाँ पे है उसको सिर्फ ढूंढने की देर है। लेकिन फिलहाल मैं चीफ जस्टिस साहब आपसे अपील कर रही हूँ कि मूसा कोई और बने या ना बने, आपसे अपील है हजूरे वाला, आप मूसा बन जाइए, आप मूसा का किरदार अदा कीजिए, और यहाँ पर ऐसी फिरौनियत को जो है वो कोई रोक सकता है तो वो आप रोक सकते हैं, बाकी हमारे हुक्मरान, हमारी ऑपोजिशन, उनको तो अपनी जो है वो मामलात से फुर्सत नहीं मिल रही है। मैं साइमा कंवल आज के प्रोग्राम से चाहती हूँ इजाजत, मुझे मालूम है कि आज के प्रोग्राम में बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल की गई है, लेकिन जिस किस्म का जुल्म यहाँ पर हुआ है कार्रवाई के नाम पर, जिस तरीके से बुजुर्गों की बेइज्जती की गई है, उनको जदोकोब किया गया है, जस्टिफाई करता है ये तमाम सख्त अल्फाज, जस्टिफाई करते हैं, किसी को इस हवाले से कोई इन अल्फाज को लेकर जो है वो कोई इशू है या इन अल्फाज की कोई पकड़ करना चाहता है, सौ बिस्मिल्लाह करें, फिर मैं भी तैयार हूँ, हमारा प्लेटफॉर्म भी तैयार है और ये लोग भी तैयार है, आपको हर तरह हम आपके साथ हैं, और हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि ऊपर अल्लाह है और नीचे हमारे मीडिया है, ये K21 का हम शुक्रिया अदा करते हैं, सब आप आए, हमारे मसाइल आपने अब हम तक पहुंचाया, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, हम अपने घर खाली नहीं होने देंगे,
और इंशाल्लाह ताला अगर यहाँ पे कोई जबरी तौर पे कार्रवाई की जाती है और आवाम को जो है जिससे तकलीफ हो और आवाम जो है इतनी बड़ी तादाद में अगर इनको बेघर किया जाता है किसी भी किस्म का सब्स्टिट्यूट दिया बगैर या इनका कोई इंतजाम किया बगैर, तो ये याद रखिएगा कोई आए या ना आए, बशर्त जिंदगी और सेहत परवरदिगार अगर देता है तो हम यहाँ पर इस जगह पर मौजूद होंगे, फिर देखा जाएगा, फिर जो होता है फिर देखा जाएगा। थैंक यू। आज का प्रोग्राम कराची के पास वसीम था, मुझे टीम के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।